हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी स्टडी कैंपस। दोस्तों, आज यूपीएससी का पेपर हुआ है, तो आप में से जिस किसी ने भी दिया होगा तो ये एनालिसिस उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखो, पैटर्न की बात करें अगर पेपर की, तो आपको बताइए एज़ यूजुअल जैसे हमेशा ही रहता है उसी तरह से अनप्रडिक्टेबल ही था। हालांकि आप चाहे कुछ भी पढ़ के गए हों, ऐसा नहीं था कि आप एक बहुत ही ज़्यादा एज में मार्क्स ले आओगे, किसी से बहुत ज़्यादा ले आओगे, क्योंकि पैटर्न कुछ इस तरह का था पेपर का कि जो कुछ क्वेश्चंस इजी थे तो वो तो सारे लोग कर ले रहे थे, लेकिन उससे अलग जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो थे उनमें ऑप्शन बहुत ही क्लोज थे और उनमें से चुन पाना मतलब बहुत ही मुश्किल था। अब बात करें, देखो कुछ फैक्टर्स जो मुझे लगे इस बार के, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चंस एक तो कम हैं, शायद लगभग 10-11 क्वेश्चन मैंने गिने थे, और उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर देखी जाए तो डायरेक्टली उनको करना मतलब डायरेक्टली नहीं हो सकते हैं वो, उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना ही होगा। तो ये हालांकि पॉलिटी के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसका असर सीधे कट ऑफ पर पड़ता है, क्योंकि पॉलिटी क्वेश्चन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कर लेते हैं। करेंट अफेयर्स की बात करें तो हालांकि करंट बेस्ड बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेपर था तो करंट बेस्ड ही, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक आधा स्टेटमेंट था, लेकिन अगर वो है तो भी क्या थोड़ा पैटर्न से अलग हटके है। जैसे कि अगर आप बात करो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो उनके जो मॉड्यूल्स थे, जो एक साल का जो करंट अफेयर्स होता है, जैसे विजन का 365 था या किसी और कोचिंग का ले लो, तो उनमें से कोई खास क्वेश्चन नहीं थे, एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो ठीक है। अब हिस्ट्री का थोड़ा सा देखो, एक तो हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, कुछ थोड़े मतलब उनको ऑप्शंस के हिसाब से उनको चुन पाना आसान नहीं था, लेकिन मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा आए हैं। इसका मैंने यहाँ अलग से मेंशन इसलिए किया है बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिवल पर ध्यान कम ही देते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस पेपर को पिछली बार से अलग बनाते हैं। अब बात करते हैं कि यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकते हैं, कितने हो सकते हैं। देखो, ये जो मैं भी जो भी बता रहा हूँ, ये जो मेरा खुद का प्रेडिक्शन है कुछ लोगों से जो सीनियर्स हैं जो हर बार देते हैं या जिनका सही निकलता है उनके बेसिस पर है, हालांकि आपका भी यहाँ पर डिफर कर सकता है। मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जा सकती है, क्योंकि पेपर का आप पैटर्न देखो, पिछली बार का जो पेपर था वो भी टफ था। देखो, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी कम कट ऑफ चली जाएगी, लेकिन वही रही, 98 मार्क्स गई थी, और इस बार का पेपर उससे कहीं भी मुझे तो सरल नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है। इस बार का पेपर उससे सरल नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं जो पेपर को देख कर आते ही कहते हैं सरल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप पेपर चेक करते जाओगे तो वो कुछ ना कुछ कम होते चले जाते हैं, और दो तीन दिन तक सारे लोग ऐसे ही कहते हैं कि कट ऑफ जो है थोड़ी ज़्यादा है, पेपर इजी है, लेकिन जैसे जैसे लोगों के गलत होते चले जाते हैं उन्हें कम लगने लगता है। अब इसमें एक चीज़ और कि जो पेपर है ये, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लेस देन 100 मार्क्स, तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि यार 100 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। हालाँकि इस पेपर में जो मेरा जो कहता है ना कि इंट्यूशनल फीलिंग जो आती है वो यही है कि 95 के आसपास भी रह सकती है इसकी कट ऑफ, कम रहेगी इतना ज़रूर है, 100 मार्क्स से ऊपर जाने का तो कोई मतलब लग नहीं रहा है इस बार, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। हाँ, पेपर की जो आंसर की निकालूंगा मैं, कुछ अच्छे आंसर्स होंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि गलत हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और GS की और फिलोसफी ऑप्शनल की वीडियोज़ भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो उनको भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।